Hello everyone. In today's video, we will read Chapter 4, An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla, Class 6. So, बच्चे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे An Indian American Woman in Space, अंतरिक्ष में एक भारतीय और अमेरिकन दोनों ही थी वो. मीन्स पैदा वो इंडिया में हुई थी और उसके बाद वो अमेरिका चली गई थी, तो इसीलिए उसको वहाँ की नागरिकता मिल गई थी, जिसकी वजह से उसको बोलते थे एन इंडियन अमेरिकन. औरत, वुमन मीन्स औरत इन स्पेस, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, कि एक अमेरिकन भारतीय महिला स्पेस में, जिसका नाम था कल्पना चावला. बेटे इसमें आपको ये वाली फोटो, ये है आपका, ये कल्पना चावला की फ़ोटो दी हुई है. ये ऐसे लेडी थी, ये फेस इसका दिखाई दे रहा है इसमें क्लियरली. ये कल्पना चावला थी जो पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, और इतने लंबे समय तक उसने अंतरिक्ष में वहाँ पे रुकी थी और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. बिफोर यू रीड, In 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space in 1997. An Indian American, कल्पना चावला, जो भारतीय और अमेरिकन थी कल्पना चावला, वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू, कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रू था, जो उसका एक हिस्सा थी, जो बोर्ड हुआ था अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल, जो कि कोलंबिया, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया था, उसमें वो जो क्रू गया था उसका वो भी हिस्सा थी. बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बॉर्न इन इंडिया टू गो इन टू स्पेस, वो पहली महिला, भारतीय महिला बनी थी जो स्पेस में गई थी. भारत में जन्मी महिला थी जो पहली, फर्स्ट टाइम जो स्पेस में गई थी. सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी, पर दुर्भाग्य से जो कोलंबिया का सेकेंड मिशन था वो ट्रेजेडी में बदल गया. ट्रेजेडी उसके साथ क्या हुई थी उसमें अभी आपको आगे न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई जाएगी या पढ़ाई जाएगी. ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, ये बेटे आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट दी गई है. जब ये वहाँ पे दुर्घटना घटी थी तो ये न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, न्यूज़पेपर्स में आई थी, जिसकी हेडिंग थी ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, की जो स्पेस में कोलंबिया शटल गया था वो एक दुर्घटना में तब्दील हो गया, ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, जो कि लपटों में टूट बदल गया. इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड सिक्स अदर्स ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास टूवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड. इसमें क्या कहता है, इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, जो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यूएस स्पेस शटल कोलंबिया के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है जिसमें कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, जिसमें कि जो कि वो स्पेस शटल कोलंबिया कल्पना चावला और 6 अन्य एस्ट्रोनॉट्स को लेकर आ रहा था, जिसमें या उसमें वो 6 व्यक्ति थे, ब्रोक अपार्ट इनटू फ्लेम्स, जो कि लपटों में बदल गया एज इट स्ट्रिक्ड ओवर टेक्सास, जब वो टेक्सास के ऊपर तेज़ी से नीचे आ रहा था, उड़ के नीचे की तरफ आ रहा था, टूवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप, जहाँ पर उसको उतरना था, अपनी लैंडिंग स्ट्रिप की तरफ आ रहा था, ऑन सैटरडे को 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 में, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, और सभी के सभी 7 के 7 व्यक्ति जो क्रू मेंबर थे वो सभी मारे गए. कि ये दुर्घटना यूएस स्पेस शटल कोलंबिया के साथ दुर्घटना घटी जिसमें 7 मेंबर्स थे, 1 कल्पना चावला और 6 दूसरे वो थे, जो कि सभी के सभी उसमें मारे गए.
द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM. जो शटल का कॉन्टैक्ट मीन्स जो ये आपस में कॉन्टैक्ट रखते हैं सैटेलाइट से या आपस में बात करते रहते हैं, उसका नासा से कॉन्टैक्ट टूटा अबाउट 9 AM 9 बजे के लगभग. एज इट केम फॉर अ लैंडिंग, जैसे ही वो लैंडिंग की तरफ आ रहा था, इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 200,000 feet एंड ट्रेवलिंग at over 2,000 kilometers per hour when grounded and ground control lost contact with the shuttle. It was flying at an altitude. Altitude क्या होता है? समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वो 200,000 feet की ऊंचाई पर वो उड़ रहा था, traveling over 20,000 kilometer की उसकी स्पीड कितनी थी? 20,000 kilometer per hour. एक घंटे में वो 20,000 kilometer उड़ रहा था. when ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट, जब उसका कॉन्टैक्ट उस नासा के जो उनका वो कंट्रोल रूम होता है उससे उसका कॉन्टैक्ट टूट गया. कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 January 2003. कोलंबिया ने अपनी उड़ान भरी थी, वो अंतरिक्ष में कब गया था? 16 January 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर. कैनेडी स्पेस सेंटर से वो उसने 16 फरवरी 2003 को उड़ान भरी थी. फ्लोरिडा में है ये कैनेडी स्पेस सेंटर. इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days एंड द 7-member क्रू इन कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगैन इट्स डाउनवर्ड जर्नी. इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट, ऑर्बिट होता कक्षा जहाँ पर वो चक्कर लगाता, कि इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days. वो 16 दिन के लिए उस कक्षा में रहा. एंड द 7-member क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स, और जो 7 व्यक्तियों का उनका क्रू था उन्होंने वहाँ पर 80 एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर परफॉर्म किए बिफोर इट बिगैन इट्स डाउनवर्ड जर्नी. धरती पर वापस आने से पहले उन्होंने वहाँ पे 80 एक्सपेरिमेंट्स किए विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जिनका उन अंत किस में हुआ? एक ट्रेजेडी में, एक दुर्घटना. दिस वॉज कोलम्बियाज 28th स्पेस फ्लाइट. ये कोलम्बिया की 28वीं स्पेस फ्लाइट थी, अंतरिक्ष की उड़ान थी. एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 flights. और जो शटल था उसको सेट किया गया था कि वो 100 flights तक भी उड़ सकता है, और ये तो अभी उसकी 28वीं फ्लाइट थी जिसमें वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो पूरे 7 के 7 member उसमें मारे गए, और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो सब भी उसमें वेस्ट हो गए, उनका कुछ भी पता नहीं लगा. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर. आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि आज हमने क्या पढ़ा. कल हम कल्पना चावला की डिटेल स्टडी करेंगे कि वो कहाँ पैदा हुई, उसने आगे कहाँ से पढ़ाई की, कैसे कैसे वो स्पेस शटल कोलंबिया के लिए सेलेक्ट हुई, वो हम कल की वीडियो में रीड करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल.